हाई एंड वेलकम टू सी एन क्लासेस आई एमगरे का बहुत सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि मेरा सी ए फाउंडेशन यानी कि जो पहले सीपीटी हुआ करता था कैसे मैंने एक बार में क्रैक किया था दैट टू बिंग अस स्टूडेंट वैसे सी ए इंटरमीडिएट भी मैंने एक बार में ही क्लियर किया था क्या वो सजेशन है जो कि मैं आपको देना चाहूंगी जिसको इम्प्लीमेंट करके आप भी एक बार में क्लियर कर सकते हैं कौन सी वह बातें हैं जो, जो, जो मुझे से लगता है कि आपको अवॉइड करनी चाहिए जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ करते थे और उनका क्लियर नहीं हुआ वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी आपको एक काम करना है वीडियो को कर दीजिएगा लाइक प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एंड नंबर टू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी जाइए वीडियो को पॉज करिए और लिखिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है मेरी सी uh, ए पोस्ट ंग सीए जर्नी से एंड प्री क्वालिफाइंग सीए जर्नी से कौन सा सा टॉपिक है जिसपे आप मेरा नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में एक नोटिफिकेशन हमारे क्लास के बच्चों से जितने बच्चे अभी हमारे मे ट्वेंटी फोर नवंबर में अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है हमारी दो दिन से क्लासेस नहीं चल रही थी दो से तीन दिन से दिन बिकॉज आई वॉज सीरियसली एक दिन तो संडे आ गया था आपको आज के आज या फिर मैक्सिमम बाइ टो एक कंप्लीट शेड्यूल मिलने वाला है अबाउट ऑल द लाइफ क्लासेस मूविंग फॉरवर्ड और जितने भी वीडियो इंटरवीडियोज हैं ओरियंटेशन वीडियो हैं कैसे हमारी क्लासेस रन करेगी इज द वेट

पे मेरा एक्सट्रीम फोकस था कि मैं सी ए फाउंडेशन का अकाउंट सी पी टी हुआ करता था कॉमन प्रोफेशनल टेस्ट मैं अकाउंट्स पे कंप्लीटली ध्यान दूँ ध्यान मैं सब पे देती थी uh, मैं कितना पढ़ती थी वो मैं आपको बताती हूँ तो हमारी जो क्लासेस हुआ करती थी वो सुबह आठ बजे से हुआ करती थी और अराउंड टू टू तो थ्री पी एम तक चलती थी तो एक बार में मेरी क्लासेस खत्म हो जाती थी उसके बाद मैं घर पे आती थी और uh, मैं एक घंटे का रेस्ट लेती थी मुझे याद है और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मैं बारह बजे तक पढ़ती ही रहती थी क्योंकि मेरा एक एम था कि डेली का डेली जितना भी मेरे को टीचर्स पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स में लॉ में इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स में आ, ये मैं कंप्लीट करती जाऊँ कैसे भी मैं कुछ भी पेंडिंग ना रखूँ तो टिप नंबर वन ये है कि जितना भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं एग्जाम्पल आप हमारी क्लासेस कर रहे हैं तो उतने का नोट्स अपना सेल्फ बनाइए टीचर अगर नोट्स दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम आपको नोट्स देते हैं जैसे कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो आपका नोट्स बनाने का जो समय है वो यहां पे बच जाता है तो नोट्स बनाइए टीचर्स के नोट्स है तो उसको लीजिए और डेली का डेली जितना भी आपको पर सब्जेक्ट पे टीचर पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट करते जाइए कंप्लीट इन द सेंस की फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स पढ़ा आपने अकाउंट्स पे कुछ टॉपिक पढ़ा तो उसको कंप्लीट करते जाओ उसको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ दैट इज द बेस्ट एडवाइस आई वुड गिव हम जितना डिले करते हैं कि हम रिविजन बाद में करेंगे डेली का रिविजन मैं करती थी सो टिप नंबर टू कि रिविजन री तभी मैं अपने क्लास के बच्चों को बोलती हूँ रिविजन री करो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जितना कल पढ़ा उतना रिवाइज किया फिर जितना इकट्ठा हुआ दो दिन दिन का उसको रिवाइज किया करते करते करते, करते एक ऐसा वक्त आता है कि आपको चीजें एकदम एक चीज जो आपने रिविजन रीफोर्समेंट में तीन से चार बार पांच बार रिवाइज कर ली है वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है और मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा फाउंडेशन का कोचिंग खत्म हुआ और मुझे लग रहा हो कि यार अब रिविजन करना बाकी है सब कुछ डन था नंबर थर्ड में आपसे बात करूंगी प्रैक्टिस 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 मैं लिख करके बहुत सॉल्व करती थी चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो लॉ हो सब कुछ मैं लिख करके सॉल्व करती थी आई अंडरस्टैंड की सीपीटी रिलेटिवलीजियर था अब सी ए फाउंडेशन डिस्क्रिप्टिव हो गया है हर एक सब्जेक्ट में फोर्टी लाना है तो सीपीटी ईजी था फाउंडेशन टफ है अभी और टफ होने वाला है जब इंडिविजुअल फिफ्टी मार्क्स हो जाएगा बी सी आर अगर रिमूव हो जाएगा पूरा लॉ हो जाएगा तो जितनी जल्दी हो सके सी ए फाउंडेशन को क्लियर करते जाओ ठीक है फोर्थ टिप हार्डवर्क खैर Uh, मैं आपको कैसे बताऊं कि सी में और इंटरमीडिएट में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया उसके बाद कुछ टाइम हम लोग मस्ती करते थे आर्टिकल्स वगैरह चल रही थी तो थोड़ा सा पढ़ाई से ब्रेक लिया हुआ था बट सी ए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है अगर आप ट्वेल्थ तक एक सेंसियर बच्चे हो आप अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा वो इज्जत देते हो प्रायोरिटी प्रायोराइज करते हो तब तो आप एक अच्छे बच्चे हो लेकिन लेट सपोज कि आप इलेवन ट्वेल्थ में एवरेज थे अब आप सीए फाउंडेशन में आए हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी पता है वो लोग जो कहते हैं कि मैंने तो पूरी पढ़ाई की है, फिर भी इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया वो, वो नलायक है एक नंबर के वो नलायक है वो झूठ बोल रहे हैं उनको पता है कि सच्चाई क्या है उनकी कॉपीज निकाल करके देखना उनकी कॉपीज को एक बार चेक करना पता चल जाएगा कि कितने पानी में है वो और उन्होंने कितनी मेहनत की और कितना इम्प्रोवाइजेशन उनको करना बाकी है तो कहने का मतलब है अब मैं आपको पेपर वाइज को गाइडेंस देना चाहती हूँ जो कि अगेन मेरा टिप नंबर फाइव होगा एक बात मैं यहाँ पे बोल दू रुक करके कि मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में जो भी स्कैनर्स हुआ करती थी मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी बहुत प्रैक्टिस की थी तो कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपके आईसीआई के इलास्ट्रेशन और एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन इनफ नहीं है अगर आपको नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करनी है आपको आरटीपी एम टी या फिर जो भी स्कैनर्स है उसको एकदम हंड्रेड परसेंट चाटना पड़ेगा भाई एकदम रटा होना चाहिए एकदम अच्छे से याद होना चाहिए राइट या सो नाउ टॉकिंग अबाउट थिंग्स यू शुड नॉट डू और इसको मैं मर्ज करती हूँ चैप्टर वाइज टिप्स से बात करते हैं अकाउंट्स की अकाउंट्स में uh, जो मेजर चैप्टर्स हैं फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप कंपनीज देन यू हैव एनपीओ देन यू हैव मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग ठीक है example, NPO, manufacturing, -manufacturing, uh, तो ये जितने भी मेजर चैप्टर्स हैं ये अगर आपने पूरे इसमें एक कुछ हो तो मैं मिस कर रही हूँ तो पता नहीं ये आपको एकदम बाय हार्ट एक एक क्वेश्चन आपने किया हुआ हो इसके जो टफेस्ट क्वेश्चन वो अगर आपने किए हैं मैं तो कहती हूँ अगर इंसान ये कर ले है ना और फिर उसके बाद जो बी आर एस और इन्वेंट्री रेक्टिफिकेशन डिप्रिसिएशन ये कर ले उसको अकाउंट्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता तो आपको ये मेजर चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे अगर आप इनमें से कोई भी बड़े चैप्टर को छोड़ते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए वहां पे क्या होगा कि लेट सपोज आप एनपीओ छोड़ के गए आपको लगेगा चले यार एनपीओ को जो है हम ऑप्शनल uh, में छोड़ देंगे ठीक है छोड़ दो वहां पर गए एनपीओ तो छोड़ा वैसे भी वैसे पार्टनरशिप में टफ क्वेश्चन आ गया वो भी गया तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए इसीलिए अकाउंट्स में मैं ये कहूंगी कि प्लीज डू नॉट लीव एनी चैप्टर वाई बिकॉज थ्योरी इज स्टिल देयर थ्योरी ऐसी है जो कि हो सकता है आप ऑप्शन में छोड़ दो लेकिन क्योंकि आप एक मेजर कोर अकाउंट्स का चैप्टर छोड़ के गए हो अब आप थ्योरी को नहीं पकड़ सकते छोड़ सकते और थ्योरी में वैसे भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं ठीक है ये था टिप नंबर वन अकाउंट्स के लिए वैसे मैंने अकाउंट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोज बनाई है आप उसको भी देख सकते हैं टिप नंबर टू बात करते हैं लॉ की और बीसीआर की बीसीआर और लॉ की अगर हम बात करें तो अगर आप इसमें बीसीआर का पोर्शन बहुत अच्छे से कर लो आप लॉ बीसीआर में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो आपको बी में डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा हर एक बच्चा बी को एकदम लास्ट फिफ्टीन डेज के लिए रखता है मत करो इसको मजे मजे में अभी पढ़ डालो जितना हो सके प्रैक्टिस करो लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस बैच हम लेकर के आ चुके हैं जिसको हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उसमें कई सारे बच्चे हो गए हम डेली दो राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आ, फिर उसके बाद लॉ में प्रोविजंस आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से इधर से उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से लॉ पढ़ते हैं लॉ हमेशा एक सी से पढ़ें किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ें जिसको लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज हो हम आपको हमारी क्लासेस में लॉ का इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर रखते हैं हम आपको रिविजन नोट्स देते हैं असाइनमेंट्स देते हैं डाउट फोरम देते हैं लॉ में बिल्कुल भी मकारी ना करें क्योंकि लॉ इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों में है तो लॉ में मकारी ना करें लॉ का फाउंडेशन एकदम क्लियर रखें खूब सही राइटिंग प्रैक्टिस करें खूब जमकर रिविजन करें रिविजन करने के लिए रिविजन नोट्स बनाए या फिर हमारे क्लास के बच्चे हैं तो रिविजन नोट्स आपको मिल जाएंगे बात करते हैं मैथ्स एलाज स्टैटिस्टिक्स की तो जनरली फाउंडेशन कॉमर्स का बच्चा जिसका मैथ्स नहीं होता है उसके लिए मैथ्स थोड़ा तंग तंग होता है तो आपसे मैथ्स में सबसे कम उम्मीद है तो कोई बात नहीं मैथ्स में उम्मीद कम है तो क्या हुआ आपके पास टाइम होता है अच्छा खासा आप दो सब्जेक्ट को सुनिएगा किसी दो सब्जेक्ट को अदरदर मैथ्स 90% तैयारी करिए आप अकाउंट्स और इकोबीसी के कर सकते हैं एक कॉमर्स स्टूडेंट अगर आप एक मैथ्स स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स में बहुत अव्वल 90 प्लस की तैयारी करनी चाहिए उसके बाद अगर आप एक साइंस है तो अकाउंट्स हल्का सा कम रखिए उधर इको पे फोकस करिए तो इकोबीसी के अभी बताती हूं फोर्थ है टिप मेरा इकोबीसी के इकोबीसी का हर एक बच्चा चाहे आर्ट्स हो ह्यूमैनिटीज हो मैथ हो पी हो पी हो नॉन मैथ विथ कॉमर्स हो कॉमर्स विथ मैथ हो हर एक टाइप के बच्चे को इको बी में 90 प्लस का टारगेट रखना चाहिए यही है जो आप हासिल कर ले जाओगे और यही है जो आपको पास करवा देगा फाइनल टिप मेरा ये है कि जो आपका कॉम्बो कॉम्बो है मतलब तो कि आपका जो कोर्स का पूरा ग्रुप है सी फाउंडेशन का इसमें 400 नंबर का पेपर होता है 400 नंबर में आपको 200 लेकर के आने होते हैं मिनिमम और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम आपको फोर्टी लेके आने होते हैं तो फोर्टी तो फिर भी बच्चों के आ जाएंगे बहुत ही स्टुबेट तरीके से तैयार किया तो नहीं आएंगे लेकिन जनरली बच्चों के फोर्टी आ जाते हैं फिर भी आप पास नहीं होंगे फोर्टी इंटू फोर इज वन सिक्सटी आपको सीए फाउंडेशन सेल थ्रू करने के लिए पहले भी था अभी भी है आपको सीए फाउंडेशन सेल थ्रू करने के लिए किसी दो सब्जेक्ट में नाइन्टी प्लस की तैयारी करनी पड़ेगी वेन आई से नाइन्टी प्लस आई मीन टू से दैट लीव नो स्टोन अनटर्न इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट सॉल्व एवरी पॉसिबल क्वेश्चन और वो 90 प्लस क्या होगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और वो 90 प्लस कैसे डिसाइड करना है आप साइंस से हैं मैथ्स से हैं तो मैथ्स होना चाहिए नाइन्टी प्लस एक ईको रख सकते हैं आप कॉमर्स से हैं आप अकाउंट्स रखिए इको रख सकते हैं तीन हो जाता है नाइन्टी प्लस तब तो आपको कोई पास होने से रोक ही नहीं सकता अगर आप कम का टारगेट रखते हैं तो और कम नंबर लेकर के आओगे और एक चीज जो मैं आपको मना करूंगी वो ये है कि मोबाइल के चक्कर में मत पड़ो हमारे टाइम पे मतलब मैं बहुत पुराने जमाने की नहीं हूँ फिर भी मेरे टाइम पे इतना ज़्यादा मोबाइल वोबाइल का इतना चक्कर नहीं था व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम तो इतना था ही नहीं व्हाट्सएप व्हाट्सएप था बट uh, इतना नहीं किसी से किसी स्पेशल संबंध से बात करनी है तो उसका एक टाइम सेट कर लो और बाकी दुनिया से एकदम दूर हो जाओ ये सीए है भाई ये घुमा देगा और ऐसा घुमाएगा ऐसा घुमाएगा कि निकल नहीं पाओगे तो याद रखना सीए सबके लिए नहीं है इट्स फॉर द मेंटली स्ट्रांग पीपल इट्स डेफिनेटली फॉर मेंटली स्ट्रॉग पीपल और अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो आपकी सच्चाई आपके सामने है आ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बहुत इधर उधर मन लगा रहता है ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है बहुत बकवास मन लगा रहता है तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं ज़्यादा यू नो you know, गॉसिप्स पर नहीं रहती थी मेरे पास एक फोकस रहता था हमेशा पहले से भी और आज भी मैं वैसी ही हूँ कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है चैलेंज है करने को तो मैं सिर्फ उस पर फोकस करती हूँ ना इधर की बुराई ना उधर की बुराई ना ये क्या कर रहा है ना वो क्या कर रहा है भाई जीवन में अपने बारे में सोचना है आगे बढ़ते जाना है दैट्स सेट एक या दो अच्छे बडीज़ हैं अगर जो कि आपको मोटिवेट करते हैं जो कि टाइम पास नहीं करते हैं अपने जीवन में और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन अब तक किया है आप भी कर ले जाओगे बाय टेक केयर